हेलो दोस्तों, मैं हूँ मयूर अग्रवाल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंगना रनौत की आने वाली फिल्म इमरजेंसी के बारे में। और इस फिल्म से जो बवाल मचा है, जब से इस फिल्म का ट्रेलर आया है तब से बहुत सारे लोग इससे नाराज है। कांग्रेस नाराज है, SGPC नाराज है, सिख कम्युनिटी नाराज है कंगना के बयानों से। और इतना ही नहीं, कंगना की खुद की पार्टी BJP भी नाराज है उनके आउट ऑफ द टर्न बोलने से, आउट ऑफ द टर्न बहुत बड़े सेंसिटिव इश्यूज पे बिना सोचे समझे बयान देने के, कुछ भी कहने के। तो आइए दोस्तों, हम इस बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि 25 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, तब हमारे देश में इमरजेंसी अप्लाई कर दी गई थी। और उसके बाद तकरीबन इमरजेंसी 18 महीने तक जारी थी। उस इमरजेंसी के दौरान संविधान में कई चेंजेस हुए। उस दौरान हमारे डेमोक्रेटिक अधिकारों को छीन लिया गया था। अपोजिशन के लीडर्स और बहुत सारे लोगों को जेलों में ठूस दिया गया था। कई महीने तक इनको जेलों में बिताने पड़े थे। तो दोस्तों, ये इमरजेंसी का दौर था जो जिस वक्त देश बहुत ही नाजुक हालातों से गुजर रहा था। बांग्लादेश को अलग करने और पाकिस्तान से वॉर जीतने में हमें सिर्फ 4 साल ही हुए थे, लेकिन 4 सालों के बाद ही हमारे देश में बहुत ज्यादा अस्थिरता आ गई थी। तो दोस्तों, ये कंगना रनौत की जो फिल्म है इमरजेंसी, ये वो दिखाती है 1966 से लेके 1984 का दौर, जब तक उनकी हत्या नहीं कर दी गई थी तब तक की ये फिल्म है। तो दोस्तों, जब से कंगना रनौत का ट्रेलर आया है 8 से 10 दिन पहले से, तब से कंगना ने अपना फिल्म का प्रमोशन शुरू किया है। और जैसे ही ये प्रमोशन शुरू किया है और कंगना ने जब से फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में अब आउट ऑफ द टर्न बयान दिए हैं, तब से ही इस फिल्म को लेके बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। कंगना का विरोध हो रहा है, BJP को इसके ऊपर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। और इतना ही नहीं, इस बयान को BJP के पार्टी के अधिकृत बयानों से जोड़ा जा रहा है। तो आइए दोस्तों, हम इस बारे में विस्तार से बात करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ 1 by 1 कि आखिर में हो क्या रहा है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कंगना रनौत जो है वो मंडी से सांसद का चुनाव जीत के सांसद बन चुकी है। और अभी उस सांसदी के साथ में वो अभी अपना बॉलीवुड करियर भी आगे बढ़ा रही है। और कुछ समय पहले जब चुनाव के दौरान भी चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर उनके साथ एक हादसा हुआ था, जब CISF की एक कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल ने चेकिंग के दौरान उनके ऊपर हाथ उठाया था, उन्हें थप्पड़ जड़ा था, तब भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। और उस कांस्टेबल का कहना था कि मैं नाराज थी कंगना के बयान से, जिसमें उन्होंने फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर एक बयान दिया था कि फार्मर प्रोटेस्ट में जो लोग बैठे हैं, जो औरतें बैठी है, वो 100-100 रुपए में लेकर मां बैठी है। तो उसका कहना था कि वो इस बयान से नाराज थी। तो कंगना को समझना चाहिए कि जो फार्मर प्रोटेस्ट वाला जो मुद्दा है वो बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है, बहुत ही सेंसिबल मुद्दा है और बहुत ज्यादा क्रूशियल सेंसिटिव मुद्दा है। वो मुद्दा ऐसा है कि उसको अच्छी तरीके से अगर हैंडल नहीं किया गया तो सरकारें भी पलट सकती है और हमारे समाज में बहुत ज्यादा खाई आ सकती है और बहुत ही लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल लॉस भी किसी पार्टी को हो सकता है। लेकिन कंगना जो है, शायद उन्होंने इससे कोई सबक नहीं लिया। और अभी रिसेंटली उन्होंने इसके ऊपर एक बयान दिया था कि जो फार्मर प्रोटेस्ट है उसमें महिलाओं के साथ रेप होते थे, उसमें लाशें बिछाई जा रही थी। तो जब से ये बयान आया तब से कांग्रेस ने इसको बिल्कुल एक बाउंसर की तरह लपक लिया और बिल्कुल इसके ऊपर फ्री हिट में सिक्स मारने की कोशिश कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, SGPC जो है वो इनके बयानों से बहुत ही नाराज है, बिकॉज इसमें जो भी मोस्टली फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें जो किसान है वो मोस्टली आपको वेस्ट UP, पंजाब और हरियाणा के ही थे। तो इसमें वो बयानों से वो बहुत नाराज है। और इतना ही नहीं, वो एक और चीज से नाराज है, जिसमें चूंकि कंगना ने उनके इंदिरा गांधी के असासिनेशन तक इस फिल्म को दिखाया है, तो इंदिरा गांधी के जो दो बॉडीगार्ड थे उन्होंने इंदिरा गांधी से, और इंदिरा गांधी के गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार करने के खिलाफ थे। तो उस दौरान उन्होंने, उनके खुद के बॉडीगार्ड ने उनको कई राउंड्स फायरिंग करके उनके घर के बाहर ही छलनी कर दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। तो SGPC ने कहा कि भाई आप इस चीज को उसमें ना दिखाएं, हमारी कम्युनिटी की जो है और हमारे जो सिख समाज है उसके बारे में गलत संदेश जाता है। तो उन्होंने इस बारे में रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन कंगना ने इसको भी, एक्चुअली कंगना का कहना है कि जब ये एक्चुअल में हुआ है, जब ये हिस्ट्री है, तो मैं कैसे दिखा दूं कि इंदिरा गांधी की मौत इस तरह नहीं हुई थी? क्या इंदिरा गांधी की मौत बिजली कड़कने से हुई थी?
ये उन्होंने बहुत ही सार्कास्टिकली और ये कई बार बोला है, तो मुझे लगता है कि कंगना को सोचना समझना चाहिए कि जब इस तरह के मुद्दे होते हैं तो आप SGPC से या सिख कम्युनिटी को अप्रोच करके उनको समझाओ कि भाई ये हिस्ट्री है, हम इस तरह से दिखा रहे हैं, हमारा कोई इस तरह का प्रेजेंटेशन नहीं है, ना हम इस तरह से सोचते हैं, और उस तरह से आप डिस्क्लेमर डालो फिल्म में जैसे बाकी लोग भी करते हैं, या जिस भी तरह से आपको ये इश्यूज को बातचीत करके ही हल करना है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है, इसके लिए इसके ऊपर सार्कास्टिकली रिप्लाई करो, कुछ भी बातें करो, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। इस बारे में कंगना यहाँ बहुत ज्यादा गलत है, उनको समझना चाहिए कि अगर इस चीज को ठीक तरीके से रिजोल्व नहीं किया गया तो हो सकता है कि उनकी पार्टी को चुनाव में बहुत ज्यादा नुकसान हो, क्योंकि एक महीने के बाद ही हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड में और भी कुछ जगह है वहां इलेक्शन होने वाले हैं, और इन तीनों जगह पे बीजेपी को बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी, एक्चुअली हरियाणा में तो 10 साल में है तो वहां बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, वहां के सीएम भी उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को चेंज करके नायब सैनी को बनाया, जो अभी अभी आया, पता नहीं अब उनका भी कितना एक्सपीरियंस है इस बारे में। महाराष्ट्र में लोकसभा में उनको सिर्फ 9 सीटें मिली थी 48 में से, झारखंड में उनकी सरकार नहीं है, तो बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि तीनों राज्यों में वो असेंबली इलेक्शंस में, विधानसभा के चुनाव में अपनी सरकार बनाए। तो कंगना को समझना चाहिए कि जब इतने क्रुशियल मोमेंट्स चल रहा है और जहाँ पे फार्मर्स एक बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी है और एक बहुत बड़ा सेंटीमेंट है, तो उसके ऊपर उनको बहुत सोच समझ के बयान देना चाहिए। एक्चुअली पार्टी ने तो उनको इस बयानों से ही खंडित कर दिया है, पार्टी ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि पार्टी कंगना जो है वो इस तरह के पॉलिसी मैटर पे बोलने के लिए अधिकृत नहीं है, ये कंगना का पर्सनल ओपिनियन है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कांग्रेस जो है इसको बिल्कुल पार्टी के बयान से जोड़ रही है और उनका कहना है कि अगर आप मानते हो कि ये कंगना का पर्सनल ओपिनियन है, उनका इस बयान से पार्टी से लेना देना नहीं है, तो आपको पार्टी से उनको निष्कासित कर देना चाहिए। तो बीजेपी के लिए ऐसा है कि ना उनसे खाए बन रहा है, ना निगल रहे बन रहा है, ना बाहर थूके बन रहा है, तो इस तरह की स्थिति कंगना के वजह से बीजेपी की हो गई है। और बीजेपी भी मुझे लगता है आज यही सोचते होंगे कि हमने गलती तो नहीं कर दी कि कंगना को टिकट दिया, उन्हें अपने पार्टी में लिया, क्योंकि जब से कंगना की हरकतें हैं, उनकी जो बेबाकी कुछ भी बोलना है, जब तक वो बॉलीवुड में थी तब तक तो उन्होंने करण जौहर, ऋतिक रोशन, आलिया, दीपिका, पता नहीं किसके किसके बारे में बहुत ही बोला, और उसी तरह उन्होंने अपनी करियर की सीढ़ियां भी चढ़ी है, अपने आप को नंबर वन एक्ट्रेस बताना, तो इस तरह का जो बिहेवियर है ये आपका शोबिज में चल जाता है, वहां पे आपको TRP चाहिए होती है, वहां पे ड्रामा चाहिए होता, तो उस वजह से कंगना को उस वजह से काफी हेल्प भी हुई है। लेकिन जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स बहुत ही डिफरेंट फील्ड है, यहाँ पे आपको बहुत पेशेंस से काम करना है, आपको क्या बोलना है, इससे ज्यादा आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं बोलना है, आपको क्या एक्सप्रेशन नहीं देने, आपको क्या चुप रहना, आपके मन में भी है, सच भी है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि बयान से कितना नुकसान होगा। तो जब तक आपको इस चीज की जानकारी नहीं रहेगी, जब समझ नहीं आएंगी, तो आप एक अच्छे पॉलिटिशियंस भी नहीं बन सकते हो। और इसी वजह से JP नड्डा ने, अमित शाह ने और पार्टी हाईकमांड ने कंगना को लताड़ा भी कि आप इस तरह के बयान नहीं देंगे, इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। लेकिन कंगना तो कंगना है, उन्हें तो बोलना है, जब तक बोलेंगे नहीं फिल्म बिकेगी नहीं। तो जैसे ही ये बयान भी आया तब उन्होंने कुछ दिन तक शांत रही, लेकिन जैसे वो लल्लन टॉप पे आई सौरभ द्विवेदी के शो पे, वहां पे सौरभ ने उनसे कुछ सवाल पूछे, उन्होंने वापस वही शुरू कर दिया। उन्होंने फार्मा प्रोटेस्ट के बारे में पहले बोला था, अब उन्होंने कास्ट सेंसस के बारे में बोला, अब उन्होंने रिजर्वेशन के बारे में बोला। तो कंगना को समझना चाहिए कि ये जो एक दलदल है, एक चक्रव्यूह है, इसमें उनको नहीं पड़ना है, क्योंकि पार्टी जो है वो थक जाएगी इनके बयानों को स्पष्टीकरण करते करते, और हो सकता है कि कंगना को हाशिया पे भेज दिया जाए, बिकॉज बीजेपी भी जो है वो ज्यादा इस तरह के इंडिसिप्लिन और RSS इस तरह के इंडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं करती है। तो उनको जो एक मौका मिला है, मंडी ने उनको चुन के दिया है, तो वहां उनको लोगों के काम करने चाहिए, वहां के लोगों की सुननी चाहिए। हालांकि मेरा तो ये कहना है कि उनको सोच लेना चाहिए कि उनकी प्रायोरिटी पॉलिटिक्स है या उनकी प्रायोरिटी फिल्म है। अगर वो फिल्म है तो वो फिल्म कर ले, या पॉलिटिक्स है तो उनको पूरा जो समय है वो मंडी के लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने में देना चाहिए। अभी हिमाचल में एक बहुत बड़ी
प्रॉब्लम चल रही है कि वहां के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषित कर दिया है कि भाई राज्य के पास पूरा कोष खाली हो चुका है, सैलरी देने के पैसे नहीं है। उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को कहा है कि आप 2-3 महीने की सैलरी मत लो, भत्ते मत लो। इतना ही नहीं, जो कांग्रेस ने 1000 रुपये 1500 रुपये पर मंथ महिलाओं को देने का वादा किया था, अब वो भी उनके लिए देना मुश्किल हो रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अब तक जिन्होंने लिया उनकी भी चेकिंग होगी कि वो उसके लिए लेने के लिए एलिजिबल है भी कि नहीं। तो ये बहुत ज्यादा उथापुथल चल रही है। यहाँ पे कंगना को अपना ध्यान देना चाहिए, यहाँ उनको अपनी पूरी एनर्जी लगानी चाहिए, ना कि आउट ऑफ द टर्न कुछ भी बयान देने के जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो हिमाचल पे ध्यान दे तो हो सकता है हिमाचल का वो भविष्य बने, हो सकता है हिमाचल में उनको और भी बड़ी जिम्मेदारी मिले। तो वहां पे कंगना का बिल्कुल भी ध्यान नहीं। आई थिंक कंगना इज मोर फोकस्ड ऑन हर बॉलीवुड करियर और इसके साथ में ये उनको प्रिविलेज मिल रहा है। और सौरभ ने उनको एक और भी पूछा कि आपके कॉन्ट्रोवर्सी के वजह से आपके हिमाचल के साथी बहुत खुश है। एक्चुअली उनका जो पॉइंट था वो जिस तरह बताना चाह रहे थे वो था अनुराग ठाकुर की तरफ, क्योंकि अनुराग ठाकुर भी वहां से सांसद है और इस बार उनको कैबिनेट भी जगह नहीं मिली है। तो कंगना ने इसका भी खंडन नहीं किया, इसको भी उन्होंने हंसी मजाक में बिल्कुल ऐसा लगा कि एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस तरह की बातें जो है मीडिया को उनको नहीं देनी चाहिए, उन्होंने उसका क्लैरिफिकेशन करना चाहिए, चुप रहना चाहिए। क्योंकि कहीं पर भी आप इलेक्शन अपने वजह से यानी जीते, यहाँ बहुत लोगों की एनर्जी होती है, लीडरशिप का विजन होता है, कार्यकर्ताओं की मेहनत होती है, आपकी खुद की पर्सनैलिटी होती है, पर्सनल कनेक्ट होता है लोगों से, आप पे विश्वास होता है। तो ये सारी चीजें कंगना को समझनी चाहिए, जो मुझे लगता है अभी वो नहीं समझ रही है। 2019 में जब मोदी जी चुन के आए थे तब उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में जब फर्स्ट टाइम MPs है उनको एक एडवाइस दी थी कि चूंकि आप MP बन गए हो तो आपको मीडिया अप्रोच करेगी, आपके जो जर्नलिस्टिक वर्ल्ड में साथी है वो आपको अप्रोच करेंगे कि आप कुछ बयान दो या कुछ करो। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको जो बीमारी है दिखास और छपास, बहुत ज्यादा दिखने की और बहुत ज्यादा बयान देके छपने की, तो इस बीमारी से आपको बचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कंगना के लिए मोदी जी को इसमें एक चीज और ऐड कर देनी चाहिए कि दिखास छपास और बकवास ये चीजें कंगना ना करे। इससे कंगना को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन कंगना से ज्यादा नुकसान हो रहा है बीजेपी को, पार्टी को, और बीजेपी को इनके दिए बयान पे बिल्कुल भी जवाब देते नहीं बन रहा है। कंगना को बीजेपी की लायबिलिटी नहीं बननी चाहिए, और ऐसा ना हो कि बीजेपी को लगे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी कंगना को पार्टी में लेके, उनको सांसद बना के उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देके। तो कंगना शुड नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ शी वॉन्ट टू बी अ सीरियस पॉलिटिशियन तो उनको सीरियस दिखना भी पड़ेगा। उन्होंने एक मूवी करी थी थलेवी जो जयललिता के ऊपर थी, तो आप देखेंगे जयललिता जी का करियर, तो जब से वो पॉलिटिक्स में आई थी शी वॉज अ वेरी सीरियस पॉलिटिशियन, और इस वजह से उन्होंने काफी सालों तक, काफी टर्म्स तक तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का रोल अदा किया था। उन्होंने पूरी पार्टी खड़ी करी थी, पूरे पार्टी को अपने बलबूते पे एकजुट रखा था जब तक वो जिंदा थी। तो इस तरह का सीरियसनेस रहेगा तभी आप पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हो, अदरवाइज बहुत सारे लोग आते हैं, सनी देओल भी आए थे चले गए, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो आते हैं फिर चल जाते हैं। तो उनको समझना चाहिए कि उनको कंस्ट्रक्टिव चीजों पे ध्यान देना चाहिए जिससे पार्टी को फायदा हो, पार्टी का उनमें विश्वास बढ़े, तो पार्टी और भी ज्यादा जिम्मेदारी देगी। अगर वो पार्टी के लिए लायबिलिटी बनेगी तो पार्टी मुझे नहीं लगता कि उनको बहुत ज्यादा समय तक बर्दाश्त करेगी। तो कंगना को ये सब चीजें समझनी चाहिए, और चूंकि कंगना को देखना है कि भाई पहले खुद का स्वार्थ देखना है या पहले पार्टी का स्वार्थ देखना है, ये कंगना के ऊपर है। क्योंकि बीजेपी तो कहती है कि पहले राष्ट्र फिर पार्टी फिर हम, अगर कुछ बच गए तो इससे तो कंगना तो अलाइन दिखती नहीं है बिल्कुल भी उनकी आइडियोलॉजी। वो सिर्फ अपने बारे में ज्यादा बात करती है, पार्टी और देश के बारे में तब बात करती है जब उनको उससे कुछ फायदा हो। और अगर आप देखो कि अगर बहुत सारे लोग शॉक हो जाते कि कंगना पॉलिटिशियन बनना चाहती थी, ये तो हमें पता ही नहीं था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पिछले 4-5 साल से लग रहा था कि वो भी इसकी बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है, क्योंकि जब से उन्होंने वो जयललिता के ऊपर उनकी बायोग्राफी थलाइवी नाम से बनाई है, उनका अंडमान में सावरकर जी को प्रणाम करना, वो सेल्यूलर जेल में जाके, और कुछ सालों से हिंदुओं की पक्ष लेना, उसके ऊपर मुस्लिमों को लताड़ना, बॉलीवुड वालों को लताड़ना, तो एक क्लियरली दिख रहा था कि वो कहीं ना कहीं अपनी एक इमेज बना रही है एक हिंदू वॉरियर के ऊपर, तो जिसको लोग शायद अब समझ पाए। तो लोगों को भी समझना चाहिए कि बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं अपने मतलब से मुद्दे उठाते हैं, अपने मतलब से वो निकल भी जाते हैं। तो बीजेपी को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि वो कंगना को क्या जिम्मेदारी दे,
लेकिन कंगना को एक जिम्मेदारी से तो बिल्कुल उनको बोलना चाहिए कि आप बकवास नहीं करोगे, आप अपना मुंह बंद रखोगे, आपको जो भी जवाब देना है आप अपने काम से दोगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे आपका जो भी ओपिनियन है वो बता सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने ग्रुप्स में, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को ग्रो करें, और हो सके तो बेल आइकॉन जरूर दबा लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक ये इमिजिएटली आ जाए। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ बने हो और इसी तरह आप मुझे अपना सपोर्ट देते रहिए। अगर आपको मेरा एनालिसिस ठीक लगे और आपको इस बारे में कुछ ठीक ना भी लगे तो भी आप मुझे बता सकते हो। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच आपके टाइम देने के लिए और मुझे सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।